और एक सवाल जो भारत समेत अन्य देशों में है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या होगा और क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं 106 साल पहले हुआ पहला विश्व युद्ध जिसमें ना जाने कितने सैकड़ों लोगों की जाने गई और ना जाने कितनी सारी बीमारियां फैली। और पहले विश्व युद्ध के बाद भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। तो चलिए जानते हैं 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच चला पहले विश्व युद्ध के बारे में, क्यों हुआ, किन किन देशों में हुआ और इस विश्व युद्ध का भारत समेत अन्य देशों पे क्या असर हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्टफुल न्यूज इन मीडिया में और मैं आपके साथ सलोनी सरी। यह युद्ध दो ग्रुपों के बीच लड़ा गया था। एक था एलाइड पावर्स जिसकी कंट्री थी रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और यूएसए, और दूसरी ओर था सेंट्रल पावर जिसकी कंट्रीज थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। अपनी पावर को संतुलन में बनाए रखने के लिए बहुत सारे देशों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन इस बात की बना किसी और देश को नहीं थी कि इन देशों के बीच अलायंसेस यानी कि समझौते हैं। इनमें कुछ मुख्य समझौते हैं ट्रिपल अलायंसेस, ये जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच 1882 में हुआ था। दूसरा आता है ट्रिपल एंटेंट, ये 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच हुआ था। अब बात करते हैं युद्ध के कारणों की। इसका पहला कारण था कि हर देश खुद को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए नए नए टैंक्स, हथियार, मशीन गन्स बनाने की दौड़ में लगा हुआ था। इसमें ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे। वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और इसकी दौड़ के चलते अपने आप को सबसे आगे रखने के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और ये वर्ल्ड वॉर वन यानी कि विश्व युद्ध एक का पहला और मुख्य कारण बना। दूसरा रीज़न है इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। इसका मतलब ये था कि उस समय के पश्चिमी यूरोप के देश चाहते थे कि वो दूसरे देश में रह सकें, अपनी मैन पावर यानी कि आर्मी और सभी सोर्सेस को बढ़ाएं। इसमें ब्रिटेन सबसे आगे था। एक समय में ब्रिटेन 25% दुनिया पर अपना राज कर चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 37 देशों ने भाग लिया। युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 28 जुलाई को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। जब यह युद्ध आरंभ हुआ था तो उस समय भारत औपनिवेशिक शासन का अधीन था। ये भारतीय सिपाही संपूर्ण विश्व में अलग अलग लड़ाइयों में लड़े। युद्ध आरंभ होने से पहले जर्मनी ने पूरी कोशिश की कि वो भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर सके। बहुत सारे लोगों का विचार था कि यदि ब्रिटेन युद्ध में लग गया तो भारत के क्रांतिकारी इस अवसर का लाभ उठाकर देशों से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में सफल हो जाएंगे। और आखिरकार अगस्त 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया क्योंकि रशिया के पास आर्मी और सोर्सेस ज़्यादा थे और फ्रेंच को वो रास्ते से हटाना चाहता था। अब इस पर यूएसए लगातार अपने 1000 सैनिक रोज ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ भेज रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ और 1917 में गवर्नमेंट बनी। एक बार फिर अक्टूबर 1917 में एक और क्रांति आई जिसने व्लादिमिर लेनिन नाम का एक नेता ने सत्ता में आने के बाद जर्मनी के साथ एक शांति समझौता किया और अपनी ओर से युद्ध को रोक दिया। और इस युद्ध का इल्ज़ाम जर्मनी पर आया और जर्मनी को इसके चलते बहुत सारा पैसा देना पड़ा जो जर्मनी ने 2010 तक चुकाया था। इतना ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज पर बहुत सारा कर्जा आया जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब बात करते हैं पहले विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिजल्ट। इस युद्ध के दौरान 17 मिलियन लोगों की मौत हुई और कई बीमारी फैलने के बाद इससे 50 मिलियन लोग बाद में और मर गए और वर्ल्ड वॉर वन के बाद कई सारी कंट्रीज कर्ज में डूब गए। अब बात करते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ा था। जब यह युद्ध आरंभ हुआ तो उस टाइम भारत कॉलोनियल शासन का अधीन था। भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। उस समय तक सरकार को माई बाप समझने की प्रवृत्ति थी और इसलिए जो भी सहयोग ब्रिटेन ने भारत सरकार से चाहा वो भारत के लोगों ने दिया।
भारत की ओर से लड़ने गए अधिकतर सैनी इसे अपनी स्वामी भक्ति का हिस्सा मानते हैं। जिस भी मोर्चे पर उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया वहां वो जी जान से लड़े। इस युद्ध में 800,000 भारतीय सैनिक लड़े, जिसमें से कुल 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गई थी। महात्मा गांधी ने भी इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत को इनाम के रूप में स्वतंत्रता दे देंगे। या फिर कम से कम आश्वासन का अधिकार देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जैसा घिनौना कृत्य से भारत के मुंह पर तमाचा मारा। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 9,200 भारतीय सैनिकों को वीरता पदकों से सम्मानित किया। सरकार ने इस विश्व युद्ध में शहीद हुए 74,000 भारतीय सैनिकों की याद में दिल्ली में 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी। यह 1933 में बनकर तैयार हुआ। इसमें 13,300 से ज्यादा सैनिकों के नाम हैं। इस युद्ध में भारत के 172,000 जानवर भेजे गए। इसमें घोड़े, खच्चर, टट्टू, ऊंट, बैल और दूध देने वाले मवेशी शामिल थे। इसमें 8,970 खच्चर और टट्टू ऐसे भी थे जिन्हें बाहर से भारत लाकर प्रशिक्षित किया गया था और फिर युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाता था। इस युद्ध के बाद भारत को भले ही आजादी नहीं मिली हो, लेकिन आजादी के लिए आंदोलन में तेजी जरूर आ गई। भारत के नेताओं का अब ब्रिटेन पर से भरोसा उठ गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने न सिर्फ उन निवेशियों को धोखा दिया बल्कि इस महायुद्ध में उनका साथ देने वाले देशों के साथ भी उन्होंने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया और देशों के प्रति उन्होंने अपना बलिदान दिया और देश को स्वाभिमान दिया और देश को गुलाम होने से बचाया। लोकतंत्र और विश्व में ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के नाम से आज भी जाना जाता है। ये तो मैंने आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि पहले विश्व युद्ध से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताई। के बाद एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताऊंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें पोस्टपोन न्यूज एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टपोन न्यूज एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू। We'll be right back.